क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? हमारा नाम मनोज ओझा पंडा। मनोज ओझा पंडा, आप यहीं के निवासी हैं? हम यहाँ का सरदार पंडा का फैमिली है। अच्छा अच्छा, सरदार पंडा का वंशज। कब से पूजा पाठ करवा रहे हैं? पहला पूजा अर्चना जो मंदिर में होगा वो हमारा ही वंशज करता है। अच्छा, मंदिर में जो पूजा अर्चना जो पहला करेगा सुबह में, जो सुबह में, वो हमारा ही वंशज करेगा। अच्छा अच्छा, हम सरदार पंडा फैमिली से है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो सरदार पंडा जो बता दीजिए, कब से पूजा पाठ करवा रहे हैं यहाँ पे आप? हम लोग यहाँ, बाप रे बाप, मैंने आपका मुगल साम्राज्य, अच्छा मतलब फैमिली के बारे में बता रहे आपके, जो पर राजतंत्र मैंने मुगल साम्राज्य जिस समय से मैंने है, मैंने जिस समय यहाँ पूरे जंगल ही था जी, शहर मैंने कहीं मैंने आपको देखने में जो है पूरे जंगल ही जंगल था। झारखंड जिसको कहता था कि झारखंड राज्य में पूरे जंगल था। अच्छा, उस समय का हम लोग यहाँ वासी है। अच्छा 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 अच्छा, एक मंदिर के बारे में कुछ बताइए बाबा, क्योंकि आप जानते हैं बैजनाथ है जी, ये रावण का लाया हुआ बैजनाथ है। अच्छा, और विष्णु भगवान के द्वारा स्थापना किया हुआ है। अच्छा अच्छा, विष्णु भगवान, तो बात है कि यहाँ जो रावण ले जा रहे थे इनको जी, तो रावण जो इनको ले जा रहे थे, तो रावण ले जाने में अब हुआ कि विधि का विधान पलट जाता जी जी, क्योंकि ये मृत्युंजय है जी जी, ये मारखंडे का आयु 12 वर्ष का था जी, तो 12 वर्ष में मारखंडे का आयु था, तो मारखंडे इनके भक्ति में इतना लीन हो गए, तो जब उनका समय आया तो वहाँ तो लिंग पकड़े हुए थे मारखंडे, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि भाई जमराज जब आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि साक्षात वहाँ शंकर जी के लिंग पकड़ के वो मैंने उसी में लगे हुए, तो भाई इनको कैसे हम ले जा सकते हैं जी जी, तो मैंने इनका उसी किए ध्यान किए तो शंकर जी प्रकट हुए तो उनको कहे कि अब इनका समय हो गया, तो बिना आपका आज्ञा का तुम इनको ले जा जी जी, आप आज्ञा दीजिए तभी ना इनको ले जाएंगे, तो बोले कि ठीक है, इनका क्या मैंने आयु, इनका 12 बरस है, समय पूर गया, करके समय आज से मारखंडे अजय अमर हो गया, मारखंडे अब नहीं मरेगा, जाइए हम इनको अजय अमर कर दिए। अच्छा, तो ये मृत्युंजय है, मृत्यु का जय। अच्छा, अगर ये लंका पहुंच जाते तो रावण का भी कहीं जय नहीं हो जाए, इसलिए विधि का विधान पलट न जाए, इसलिए सारा देवता गण में आपस में इनको मैंने ये करवा के, और ये वहाँ जब इनका मैंने शंकर जी इनसे कॉल कर लिए, शंकर जी इनको बोले कि अगर आप हमको यहाँ से कैलाश से ले जाएंगे तो हमको आप पृथ्वी का स्पर्श नहीं कराएंगे हमारे लिंग को, जिस जगह हमारे लिंग को पृथ्वी का स्पर्श करा देंगे फिर हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो रावण तो था कि भाई हमारे पास पुष्पक विमान है, हमको यहाँ से इनको लेंगे, हम इनको रखेंगे, हम तो डायरेक्ट वहीं ले जाते हैं, वहाँ तो भाई देवता का हमें छल था। जब रावण संध्या बंधन जिस समय किए उसी समय पहले उनका कमंडल में जो है जल जो लिए उसी समय वरुण देव उनका कमंडल में घुस गए, और जैसे आत्मन करते हैं संध्या बंधन का समय श्री विष्णु श्री हरि उसी समय उधर पेट में घुस गए। अच्छा, और जब वो लिंग लेकर चले हैं तो ऐसा ताबड़तोड़ जब उनको लगा, तो ये झारखंड राज्य से जब गुजर रहे तो उनका लगा कि भाई अब उधर उधर मेरा फट जाए, तब यहाँ उतरे हैं जी, अब विष्णु भगवान गौ चराने के रूप में अपना पहले वाला के रूप में पहले से यहाँ तैयार है, तो वही लिंग उनको विष्णु भगवान को जो बोले कि आप इधर सुनो भाई जी ग्वाले की इधर आइए, तो आए, क्या बात है, तो इस लिंग को आप पकड़िए, हम जब तक नहीं आते हैं तब तक इस लिंग को आप हाथ में रखे, नीचे नहीं रखना, नीचे उसको धरती को स्पर्श नहीं कराइए, आप जो कहिएगा उनको आपको देंगे। बोला विष्णु भगवान ठीक है जाइए, विष्णु भगवान ने ध्यान रखिए आने वाला है, अब 3 दिन 3 रात तक ही वही जो है हिसाब करते रह जाएगा, जो कि अभी रवना खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी हरला जोड़ी का करके एक जगह है जहाँ की रवना खार जहाँ नदी बांध के बह गया, जहाँ की रावण पेशाब किया है, तो वो नदी कहाँ है? यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है, 7 किलोमीटर दूरी है, हरला जोड़ी नाम का जगह है। अच्छा, अच्छा। वही रवना खार नदी है। अच्छा, जहाँ की मैंने रावण पेशाब किया है। अच्छा, अच्छा। तो वो नदी को उनके बाद है, विष्णु भगवान जो लगे भाई की अभी यहाँ आने वाला है कि तो 3 दिन 3 रात में पेशाब है। शिव गंगा के क्या कहानी है? शिव गंगा उसी में बता रहे हैं, तब लिंग कोई है उधर और विष्णु भगवान लिंग रख दिए, और वही बैजू नाम का जो था उनको ला करके उनको दिखाया कि आप जो शिवलिंग है इस शिवलिंग को आप खाए जल चढ़ा करके मछली तोड़ के चढ़ाइएगा और जो कामना कीजिएगा वापस आपको मिलेगा। जो उसके बाद रावण जब वहां से 3 दिन 3 रात
कहीं गिर गया, जब वहाँ से उठते हैं तो भाई वहाँ से यहाँ कैसे आए, तब वो शिवम तालाब आए तो वहाँ मुष्टिका प्रहार किए, मुष्टिका जब प्रहार किए तो पाताल गंगा फट, पाताल गंगा फट गया और पाताल गंगा निकला शिवगंगा से, वहीं से वो अपना शुद्धिकरण किए तब वो यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद वो बोले कि चलिए अब आप हमारे साथ, बोले मेरा कॉल क्या था कि आप धरती का पृथ्वी का हमको स्पर्श नहीं करने दीजिए, तो आप तो अब महाराज हम कैलाश में थे, आप लाके यहाँ जंगल में विराजमान कर रहे, अब तो हम यहाँ से कहीं उठने वाले नहीं है, तो आप नहीं जाइएगा, मतलब भगवान यहाँ साक्षात रहिए कि यहाँ पे वास करते हैं। तब वो जो है अंगूठा से उनको और दबा दिया, ठीक है आप पाताल में चले जाइए, बोला था खास हम वो भी तुम्हारा बात मंजूर है लेकिन हम अब यहाँ से हिलने वाले नहीं है, नहीं प्रभावशाली तब उनसे बड़ा ताकत तो था, त्रिकालदर्शी है वो, त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान रावण, रावण रावण उनको कहा जाता, तो तीनों काल का, क्योंकि देखिए माँ उनका राक्षसनी थी लेकिन पिताजी से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल ब्राह्मण ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्रह्म थे, तो ब्रह्म थे लेकिन मेरा काम जो था और वो सब जानते थे कि इसी में बड़ा विद्वान भी कोई नहीं था, वो जानते थे कि रामों के हाथ के द्वारा हमारी मृत्यु होगी तभी हमारा मोक्ष प्राप्त होगा, तब वो सीता महारानी को, सीता माँ के मैंने जगदम्मा को ले जा सकता है ना जी, सही बात, उनका खाली मैंने मिला था वो छवि को ले गया, जी 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 छवि ले गया। अच्छा बाबा यहाँ पे कोई छू सकता है, यहाँ पे हर दिन इतना भीड़ वगैरह लगता है, भीड़ का बात सावन में, सावन तो मैंने सावन मैंने भीड़ का तो अब यहाँ बातें छोड़ दी, बातें छोड़ दी, अगर 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 किसी दिन किसी वक्त हमारे ये एक आध दो दिन अगर बाबा की इच्छा हो गया तो यात्री लोग जरा शांति से पूजा करें तो हो जाता है, नहीं तो यही यही है बाबू यहाँ 5 घंटा 6 घंटा पूजा करने में लगता है, और ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा भी जाम हो जाता है, यहाँ जो पैसा दे करके शीघ्र दर्शनम पास है उसमें भी घंटा तो घंटा लग जाता है। क्या कहानी है, मतलब पैसा देकर ज्यादा भीड़ भाड़ हो और लोग पैसा देकर भगवान का दर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वही शीघ्र दर्शनम पास बना है ना, अच्छा अच्छा पास के द्वारा कर सकते हैं, पास के द्वारा इसलिए कि जाति मान लीजिए कि किसी को समय नहीं है जी, तो उनके लिए वो उपलब्धि किया गया है कि आपके पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है बाबा हमको जल्दी करा, जल्दी करना, अब उसमें भी भीड़ लगने लगा है, क्या कीजिएगा, उसमें भीड़ लगने लगा क्या कीजिएगा, चलिए घंटा दो घंटा उसमें भी लग जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपसे बात करके अच्छा लगा।